नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में। बेहतरीन एक इंट्राडे ट्रेडिंग इंडिकेटर है जिससे आप जो है ट्रेंड को अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करने का एक फायदा यह है कि आप स्टॉप लॉस को अच्छे से ट्रेल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आप जीरोधा में भी यूज कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हर जगह आपको इजिली उपलब्ध है। आप ये जैसे यहाँ पर इंडिकेटर पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सुपर ट्रेंड सर्च करना है। सुपर ट्रेंड जैसे सर्च करेंगे आपको कई सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड जैसे आप लिखेंगे तो आपको कई सारे इंडिकेटर आ जाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, ये हमने चौथा वाला लिया है तो ये हमें ज़्यादा बेस्ट लगा, तो इसलिए मैंने फोर्थ वाले नंबर पर जो है उसको सिलेक्ट किया है। और जैसे आप इसके सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग हमने वीवीएप में भी आपको नहीं बताया, यहाँ पर जो है हाईलाइट स्टेट को आप कैंसिल कर देंगे, जो आपको रखना है सिर्फ वही रखना है। और ये सारा डिफॉल्ट है, जो ATR पीरियड है, ATR मल्टीप्लायर है, सब चीज़ डिफॉल्ट है। सिर्फ यहाँ पर हमने जो एक चीज़ है वो सेट कर दिया कि जो हाईलाइट स्टेट है उसको हटा दिया। अगर आप हाईलाइट स्टेट ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए इसको हाईलाइट को रखने का कुछ खास मतलब फ़ायदा नहीं है, तो हाईलाइट को हटा देते हैं। लेकिन सुपर ट्रेंड से आप जो है ट्रेंड को अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, स्टॉप लॉस को अच्छे से ट्रेल कर पाएंगे। और यहाँ पर जो है आपको एंट्री जो है बेस्ट नहीं मिलेगा, एंट्री अच्छा मिलेगा लेकिन थोड़ा सा लेट कर देता है। सुपर ट्रेंड से एंट्री लेते हैं तो थोड़ा लेट हो जाते हैं आप, तो उसके लिए आप RSI का यूज कर सकते हैं। RSI जैसे आपका 55 से ऊपर जाता है तो आप जैसे 55 से ऊपर गया तो सुपर ट्रेंड के आसपास जब भी प्राइस मिले, देखिए प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट है, सबसे पहले प्राइस एक्शन आएगा। अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, किसी भी इंडिकेटर को खास फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो सिर्फ एक RSI भी आपके लिए इनफ है। तो RSI और प्राइस एक्शन ये दोनों काफी मतलब अगर मैच कर देते हैं तो सबसे बेस्ट है। लेकिन सुपर ट्रेंड से क्या होगा, आप अपने स्टॉप लॉस को अच्छे से ट्रेल कर पाएंगे, जो बड़ा बड़ा प्रॉफिट है वो आप ले पाएंगे। पूरे ट्रेंड को आप जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप जो है ट्रेड कर पाएंगे। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या होता है, जैसे यहाँ पर बाय सिग्नल आया तो अब आपको वेट करना है कि प्राइस जो है सुपर ट्रेंड के जैसे बाय आया तो इसके आसपास कब आता है। तो देखिए यहाँ पर तो पास ही है, दूसरा यहाँ पे पास आया, तो कभी भी सुपर ट्रेंड के आसपास आता है प्राइस तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। और जब तक इस सुपर ट्रेंड को ब्रेक नहीं कर देता है प्राइस, तब तक जो है मतलब जैसे ब्रेक करेगा तो ये आपको ऊपर चला जाएगा, और वहाँ पर ऊपर गया तो सेल सिग्नल देगा, सुपर ट्रेंड नीचे है तो बाय सिग्नल देगा। और जब तक ये प्राइस इसके ऊपर है तब तक आप स्टॉप लॉस इजिली ट्रेल करते जाइए, आराम से आप बड़ा से बड़ा प्रॉफिट ले पाएंगे। तो यहीं पर देखते जाइए, फिर पीछे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए बाय सिग्नल आया, तो बाय सिग्नल आया इस बार तो देखिए प्राइस काफी ऊपर है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए प्राइस इसके नीचे आया, तो प्राइस जैसे नीचे आया तो यहाँ पर आप एंट्री लेंगे तो ज़्यादा एंट्री आपका बेस्ट होगा। फिर यहाँ पर प्राइस नीचे आया तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं, और इससे आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। इससे एग्जिट जो है आपका बेस्ट एग्जिट तभी होता है जब कोई देखिए यहाँ पर जैसे ये बड़ा सा बुलिश कैंडल दिया और यहाँ पर ये धीरे धीरे कंसोलिडेट होने लगा तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। तो जो बड़ा सा बुलिश कैंडल होता है वो एग्जॉशन कैंडल होता है, मतलब वहाँ पर आप एग्जिट अपना एग्जिट ले सकते हैं ट्रेड से। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। और जब स्टॉप लॉस लगाना है तो जरूर लगाइए। स्टॉप लॉस क्या होता है, जैसे आप सुपर ट्रेंड के अनुसार लेते हैं तो जब भी ये सुपर ट्रेंड को ब्रेक करने लगता है तो यही आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर मतलब आप चाहते हैं कि ये ट्रेंड अगर आगे कंटिन्यू रहेगा लेकिन आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है और ये अपोजिट आने लगा, तो जैसे ये सुपर ट्रेंड के आसपास पहुँचता है तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस आपको बुक करके निकल जाना है। तो बहुत ही अच्छा है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, जिसे आप बड़े बड़े ट्रेंड को फॉलो करते हुए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो जिससे आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इसे छोटे छोटे जो है आपको फॉल्स सिग्नल भी मिलेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन होते ही आपको सेल सिग्नल यहाँ पर दिया, लेकिन यहाँ ट्रेड लेते तो थोड़ा आपको छोटा सा यहाँ पर प्रॉफिट मिलता, लेकिन अगर आप इस ट्रेड में बने रहते तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ये हिट कर देता। तो छोटे छोटे फॉल सिग्नल भी इसमें मिलते हैं, तो इसलिए आपको RSI और प्राइस एक्शन दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ जैसे आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, ये 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट चार्ट पर इंटरडे में आप फॉलो कीजिए, काफ़ी बेहतरीन है। ये बैंक निफ्टी है हमारा, और यहाँ पर देखिए RSI काफ़ी गिरा हुआ है, मतलब RSI 30 से भी नीचे है। तो जब RSI 40 से नीचे चला जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ओवर सोल्ड हो चुका है। तो ओवर सोल्ड है, ऐसे में यहाँ पर सेल का सिग्नल मिल रहा है तो थोड़ा सा आपको जो यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा मिलने वाला नहीं है। और वहीं पर फिर देखिए यहाँ पर पिछले दिन आया था 3:10 पर, इस 3 बजे के बाद तो कोई भी सिग्नल मिले उसको अवॉइड ही करना है आपको इंट्राडे में।
क्योंकि यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं तो फिर अच्छा खासा आपका लॉस हो जाएगा। तो इस सिग्नल को हम देखेंगे नहीं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये ज़बरदस्त ट्रेड दिया, यहाँ पर ये सेल दिया आपको। अगर यहाँ पर आप सेल करते, थोड़ा सा इस कैंडल पे नहीं करना है आपको, पहले ही के कि थोड़ा वेट करना है, जैसे इसके आसपास आता है तो यहाँ पर आप एंट्री देते। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं किया क्योंकि इसके ऊपर ये निकलने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि सुपर ट्रेंड नीचे आ चुका है। देखिए यहाँ सुपर ट्रेंड पहले यहाँ पे था और ये नीचे आ चुका है, और इसको अभी क्रॉस भी नहीं किया है सुपर ट्रेंड, सिर्फ टच किया और धीरे 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 प्राइस देखिए उसके बाद गिरते चला गया। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा ट्रेड, मतलब एक बड़ा प्रॉफिट मिलता अगर आप सुपर ट्रेंड के अनुसार, अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करते जाते हैं सुपर, मतलब ये सुपर ट्रेंड है तो इसके जस्ट ऊपर आपको स्टॉप लॉस आपको रखना है, तो काफ़ी बेहतरीन ट्रेंड मिलेगा इससे, काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट आपको इससे देखने मिलेंगे। लेकिन छोटे छोटे फॉल्स सिग्नल, जैसे देखिए यहाँ पर फॉल्स, मार्केट ओपन होते ही यहाँ बाय सिग्नल दिया, आप यहाँ बाय करते, छोटा सा आपको प्रॉफिट दिखाता, फिर देखिए यहाँ पर आपका ये स्टॉप लॉस हिट कर देता है क्योंकि यहाँ इसको क्रॉस कर दिया ये, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर प्राइस ऊपर चला गया, और ऊपर प्राइस के साथ साथ यहाँ पर सेल सिग्नल भी दे दिया कि यहाँ पर आप सेल कीजिए इसको, बाय जो था वो आप रॉन्ग हो चुके हैं, सुपर ट्रेंड अपना मतलब इंडिकेशन बदल चुका है, अब बाय से ये सेल में जा चुका है। फिर यहाँ पर आते हैं पीछे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेल सिग्नल दिया, यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलता, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर आप प्राप्त करते। फिर यहाँ पर पीछे आते हैं तो यहाँ पर देखिए बाय सिग्नल दिया, यहाँ पर बाय करते यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता। तो छोटे छोटे फॉल्स सिग्नल भी मिलेंगे, तो जिससे फॉल्स सिग्नल को आप जो है ट्रेंड क्या है आज का ट्रेंड को देखते हुए आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पीछे आते हैं, देखिए सेल सिग्नल यहाँ पर मिला है 16 मार्च को सेल सिग्नल, यहाँ पर देखिए आपका कभी भी ये स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, और यहाँ तक में आपको अच्छा खासा यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते तो अच्छा खासा डीके, टाइम डीके भी आपको मिल जाता, तो यहाँ पर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहते। या आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते तो यहाँ पर देखिए आप लगातार ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, और इस सपोर्ट से प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, तो ये लोअर हाई, ये देखिए यहाँ पर हाइयर लो बनाया, ये लो पहले जो यहाँ काफ़ी नीचे था अब ये हाइयर लो बनाया, तो प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, RSI भी बता रहा है क्योंकि RSI यहाँ देखिए 40 से ऊपर जा रहा है, तो आप प्राइस एक्शन के अनुसार या RSI के अनुसार यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे, अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ बाहर आ सकते थे। तो इस तरह से आप सुपर ट्रेड इंडिकेटर की मदद से जो इंट्राडे में अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हैं, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तब तो इससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। जो डीके होता है, टाइम डीके जो होता है, जैसे जैसे मतलब हम टाइम स्पेंड होता है वैसे वैसे ऑप्शन सेलिंग में हमें टाइम डीके का बेनिफिट मिलता है, तो अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा अगर आप सुपर ट्रेड इंडिकेटर को जो अपना स्टॉप लॉस के रूप में फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको सुपर ट्रेड इंडिकेटर के बारे में और कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सुपर ट्रेंड के बारे में, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका आप सवाल पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको आगे हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में और डिटेल में जरूर बताएंगे। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।